हेलो फ्रेंड्स, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आज आपका स्वागत है। मैं आपके लिए 20 प्रश्न लेकर के आया हूँ जो सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? ट्राई करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में। अपना दूसरा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ट्राई करिए। सेकंड आंसर, भारत के उपराष्ट्रपति। अपना थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? चार ऑप्शन है, ट्राई करिए, देखिए किसकी नहीं की जाती। राष्ट्रपति ज़्यादातर इनमें से तीन की नियुक्ति करता है, एक की नहीं करता। वह कौन है जिसकी नहीं करता? तीसरे का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग कर सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है कि लेने लेने से वह लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेकर। पांचवा, मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य का विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? चार ऑप्शन है, देखिए बताइए, अपना मैच करते रहिएगा। पांचवे का है रूस के संविधान। अपना छठवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता एक गैर सदस्य करता है? ट्राई करो। राज्यसभा गैर सदस्य करता है राज्यसभा की। जम्मू एवं कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, जम्मू एवं कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बताइए। सातवें का है उर्दू। राज्यसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है। राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए सबसे कम आयु कौन सी है? आठवें का 30 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति पद पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए ना राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपलब्धता की स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन कौन करता है? अगर जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं हो तो उसके राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन कौन करता है, कौन संभालता है कार्यकाल? दसवें का है भारत का मुख्य न्यायाधीश। 11वां प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार की व्याख्या संविधान की आत्मा और उसके हृदय के रूप में की जाती है? एक मौलिक अधिकार है जिसमें संविधान की आत्मा और उसके हृदय के रूप में व्याख्या की जाती है, वो कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 12वां प्रश्न है, अध्यादेश कौन लागू करता है? अध्यादेश कौन लागू करता है? राष्ट्रपति। तेरहवां प्रश्न है, भारतीय राज्य मुख्यतः किस आधार पर गठित किए गए हैं? भारत में जो राज्य बांटे गए हैं, 28 या 29 राज्य हैं, वो किस आधार पर नियुक्त किए गए हैं? भाषा के आधार पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 14 प्रश्न है, ट्राई करिए। संसद, फोर्थ ऑप्शन, ओके। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं बताइए? चार ऑप्शन दिए गए, ट्राई करिए। 60 से 500 के बीच में हो सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अवकाश प्राप्ति की उम्र है?
उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो अवकाश ले सकते हैं, वो किस उम्र की होने चाहिए तब अवकाश मिल सकता है? 65 वर्ष। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघीय कार्यपालिका लोकसभा, फर्स्ट ऑप्शन। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ट्राई करो, फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। लास्ट क्वेश्चन 20वां, संसद के दो सत्रों के बीच कितने से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए? इसका है कोई तय अवधि नहीं है। फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने पूरी वीडियो देखी। और ऐसे ही हम लोग 20-20 प्रश्न हर डेली लाया करेंगे, आप लोग और भी वीडियो देखा करिए। हर डेली 20 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण लेकर के आया करेंगे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए एग्जाम तक। तो हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।